पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। देखो हमारा मानना यही है कि इतने जरूरी ऑपरेशन में ना तुम्हें अनुभा की टीम को ही लेके जाना चाहिए। अगर तुम इसके साथ जाओगे ना तो हम इसकी ज्यादा फिक्र नहीं होंगे। तुम पे भरोसा है हमें। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। जैन क्या कहा था? उन्हें बेकार में से हमारे साथ चिपका दिया। By the way, final call हमारा ही होगा। हाँ, हम जानते हैं और हम जानते हैं ये भी है कि तुम अनुभा की टीम को ही लेके जाओगे। काव्या, आदि, इस तुम एक बात बताओ, तुम अचानक से अनुभा के इतने अगेंस्ट क्यों हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है काव्या। चलो चलते हैं, अभी बाकी की प्लानिंग भी करनी है। चलो एक सेकेंड। हाँ माँ बोलिए। अरे काव्या बेटा, कहाँ रह गए तुम दोनों? अभी तक घर नहीं आए। पर इस वक्त घर क्यों? आदि ने बताया नहीं तुम्हें? उसी ने तो पूजा रखवाई है होने वाले बेबी के लिए, ताकि उसे किसी की नजर ना लगे। अच्छा, वो हमें पता नहीं था। ठीक है, पूजा रखवाई तुमने घर में? हाँ काफी है। वो सब कुछ इतना गड़बड़ हो रहा है तो हमें लगा कि हमारे ग्रह हमसे नाराज है, तो जूनियर के आने के पहले सब ठीक हो जाना चाहिए। और तुम्हारी हिफाजत के लिए, बेबी की हिफाजत के लिए ये करना जरूरी है, तो इसलिए। अच्छा, पापा पैम्पर कर रहे हैं? करो करो, बिल्कुल करो। वैसे आदि, हम सच में बताएं, हम जब तुम हमारे साथ होते हो ना तो हमारे सब ग्रह एकदम ठीक चलने लग जाते हैं। कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। चलो जी, आप यहाँ आराम से बैठिए। आपकी चिंता में ना हमें घबराहट हो रही है। रोकिए उनको। अगर गोदाम में छापा पड़ गया, कोई पकड़ा गया, तो आपका नाम ले लेगा। हमने आपसे पहले भी कहा है नेताजी, आप हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। जी माँ जी, आप समझते नहीं कितनी चिंता है मैं आपकी। आप मेरी बात मान लीजिए। ठीक, अब तो आराम ही आराम है सीमा मैडम, क्योंकि आज आपका होगा खेल खत्म और हम जाएंगे बच। फिर जेल की हवा खाइएगा और शोक मनाइएगा कि गिरिराज प्रधान से आपका पाला पड़ा है। हसले नेता, हसले। तुझे अब पता चलेगा कि हम तुझसे दो कदम आगे हैं। मगर हम गोदाम जाने से कैसे रोक सकते हैं मैडम जी? किसने कहा हम रोकेंगे? जाने दे, क्या फर्क पड़ता। अब हम एक नहीं, अपने सारे घोटालों में फंसने से आजाद होने वाले हैं। हुआ कैसे मैडम, हम समझे नहीं। तुम्हें समझने की तनख्वाह मिलती है। चुपचाप जाके अपना काम करो जो का है। जी मैडम। चलो बेटा, मत सोचो वो सब, गलती समझ के भूल जाओ और एक नए सिरे से आज से शुरुआत करो। और हम जो खुद इतना छोटा महसूस कर रहे हैं माँ, उसका क्या करें हम? भरपाई करो, काव्या को इतना प्यार दो, उसकी इतनी हिफाजत करो कि उसे कभी कोई शिकायत ना हो, उसका दिल जरा सा भी ना दुखे। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन यकीन मानो, एक बार बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। आदि आओ ना। आ जाओ बेटा। पंडित जी, बच्चे का नाम भी अभी बताना है? नहीं बेटा, जो बच्चा होता है ना,
तो उसका स्थान देखा जाता है, उसका समय देखा जाता है और उसके बाद नक्षत्र देखे जाते हैं, उस हिसाब से राशि पड़ती है, तो फिर अक्षर दिया जाता है। हमने अक्षर सोच लिया पापा। अच्छा, कैसे होगा? अपनी माँ जैसा। नाम तो एक्चुअली हमने भी सोचा है, हम दोनों का नाम मिला के रखेंगे। बताओ। आत्या, लड़का हो या लड़की हो, दोनों पे अच्छा लगेगा। ये पूजन बच्चे की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए रखा गया है, ताकि जीवन में कोई भी विघ्न बाधा ना आए। हमारी एक गलती तुम माफ कर दो बच्चे। वादा करते हैं कि अब कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे इससे तुम्हारी मम्मी या तुम्हें जरा भी तकलीफ हो। पता नहीं हम तुम्हारी माँ बनने लायक हैं या नहीं, पर हर पल हर दिन अच्छी माँ बनने की कोशिश करेंगे। तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेंगे। तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पे लगा देंगे। तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं आने देंगे, और आंसू आए तो मिटा के उसकी जगह खुशियां भर देंगे। तुम्हारी ढाल बनेंगे हम, तुम्हें अपने प्यार से सींचेंगे हम, और तुम्हें हर खतरे से दूर रखेंगे। क्या हो गया? तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तुम बता सकते हो हमें अपनी तकलीफ, तुम्हारी तकलीफ हम बांट तो सकते हैं ना? नहीं 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 काव्या, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस कल के रेट के बारे में सोच रहे थे और कुछ भी नहीं। सच में? हाँ। तो ये कोई फिक्र करने वाली बात है आदि, हम दोनों साथ में मिलके कल सब फाइनल करेंगे। ओके, लेकिन तब तक तुम रिलैक्स करो। हाँ हाँ ओके, हम रिलैक्स ही हैं, हम आते हैं। काव्या, ये लो प्रशांत। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? नहीं, हम बस थोड़े से हैं परेशान आदि को लेकर। कुछ तो बात है, पर वो हमसे छुपा रहा है, बता नहीं रहा है हमें। कहीं कहीं बच्चे को तो कुछ नहीं है? ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं होगा। हाँ, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है ना, हमें डर लग रहा है। माँ जो बनने वाली हो, माँ बनना सचमुच डरावना होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बच्चा नहीं हो जाता। एक बार जब वो नन्ही सी जान तुम्हारी गोद में आएगी ना, तो तुम अपने सारे दर्द सारे डर सब भूल जाओगी। एक लड़की से माँ बन जाओगी, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी काव्या। गोडाउन हमारी टीम चारों तरफ से एंटर करेगी, पहले उन्हें हम घेरेंगे चारों तरफ से और फिर आप लोग क्या कैसे? हमने बुलाया ये पूरी टीम है जो तुम्हारे साथ जाने वाली है, तो हमने सोचा अगर एक बार में सबको साथ में ब्रीफ कर देंगे तो फिर वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तुम बोलो। ओके देन, आप लोग सब सुन लीजिए, प्लान है सरप्राइज अटैक दवाइयों के गोडाउन में।
पहले उन्हें घेरेंगे और फिर अटैक करेंगे। मुकेश तुम इस बैक एंट्री से एंटर करोगे। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।